जगरूप सिंह सानू जी साढ़े पिंड तो तकरीबन 200 मीटर दूर जी कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री लगी है सबन ने वो प्रदूषण के बारे असं पहला भी SDM साहब को भी लैटर दे चुके हैं। अज असी अपने मौजूदा MLA श्री जय किशन रोड़ी साहब के कोल भी असं अज मंग पत्र लैके आए हैं। साड़िया जड़िया प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इस फैक्ट्री के वालों तो सू प्रदूषण का इन्ना क है कि असी रात को बाहर नहीं सो सकते, असी बाहर कपड़े नहीं तक नहीं सुखा सकते, इन्नी कालक आ रही है और रात को 7 बजे तो लैके सवेरे 7 बजे तक तो दम घुटन वाले जड़िया बीमारियां लगने वाले चांस बनते, इन्नी भैड़ी स्मैल आ रही है। प्रकाश चंद पिंड महदवाड़ी गुजरा तो साडा जिहड़ा प्रदूषण का जिहड़ा कमेटी के नाल फैक्ट्री के नाल जिहड़ा हो रहा साडा संघर्ष, लेकिन साढ़े जिहड़े मोहाली तो जिहड़े प्रदूषण वाले आए थे उन्हें यह साबित कर दिता था कि इत्थे प्रदूषण बहुत है और इहदी स्मैल जिहड़ी है बहुत आ रही है। और उहदे बाद फिर इत्थे असीं SDM साहब दे पेश होए, उन्हां नूं जाके असीं अपना पत्र दिता ते अज असीं इत्थे रौड़ी साहब दे कोल आ रहे हैं। लोक बचाओ पिंड बचाओ संघर्ष कमेटी वालों अज मैनूं मंग पत्र दिता गया जिहदे विच काफ़ी लंबी डिटेल दे विच जिहड़ी आ वार्तालाप होई है, जिहड़ी पिंड दे लोकां नूं समस्या आ रही है भावें राख डिगण दी है भावें जिहड़े ओवरलोड टिप्पर उहनां दे कारण जां फिर होर जिहड़े पिंड दे विच कोई साह दी प्रॉब्लम है जां गंदे पाणी दी दिक्कत है, अज इहनां ने मेरे ध्यान विच लिया है और मैं प्रशासन नूं पुरजोर जिहड़ी है वह सिफारिश करांगा कि इह जिहड़ी समस्या है जल्द तो जल्द जिहड़ी हल कीती जाए ता जो साडे इलाके दे जिहड़े लोक आ उह तंदुरुस्त रह सकन और साडी जिहड़ी सड़क आवाजाई है बिल्कुल निरंतर और बिल्कुल स्थिर चल सके। ये जो महदवाणी पिंड के वासियों द्वारा कुछ वासियों द्वारा जो दोष लगाए जा रहे हैं ये पूरे दोष निराधार है, इन्हों का कोई बेस नहीं है। कंपनी चल रही है जो सरकारी निगमों के अधीन अभी वो सारे पूरे कर रहे हैं, उन्होंने निगमों के अधीन चल रही है। अगर ये समस्या आ रही है तो होर एरिए भी पिंड है, हिमाचल में भी पिंड है, तो होर किसी को समस्या नहीं आ रही। ये कुछ लोगों के द्वारा ये प्रचार गलत प्रचार किया जा रहा कि फैक्ट्री तो पोल्यूशन हो रहा जा पानी का ये पोल्यूशन कर रहे हैं। साडा जीरो डिस्चार्ज उत्ते असी काम कर रहे हैं, कोई पानी डिस्चार्ज नहीं हो रहा। और एक होर दोष लाया जा रहा कि ये रिवर्स बोर करके पानी धरती च सिट रहे हैं। मैं इन्हों इनवाइट करदा कि कभी भी आके वो देख सकते हैं कि अगर पूरी कंपनी वो घूमन की उन्होंने खुली इजाजत है, अगर वो कोई बोर पाया जाता तो मैं अपने आप को दोषी समझागा। सर जिहड़ी कालख कहा जा रहा स्मैल आ रही है बदबू आ रही है वो फैक्ट्री दे विचों वो पिंड वाले कह रहे हैं, इहदे बारे की फैक्ट्री कोई भी ऐसा प्रोसैस नहीं हो रहा जिहदे विच कोई किसी चीज़ की स्मैल आए। सारे असी एडिबल ऑयल खाने वाले तेल यूज कर रहे हैं सोप बनाने वास्ते, बहुत सारिया बड़िया मल्टीनेशनल कंपनियां साढ़े तो वो प्रोडक्ट बना रही हैं, उन्होंने सानू उन्होंने अपरूवल दिते है, तो ऐसा कोई भी स्मैल वाला कोई प्रोडक्ट ही नहीं उत्थे यूज हो रहा। जो भी प्रोसैस हो रहा सारा पाइपलाइन के अंदर हो रहा, कुछ ओपन नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल निराधार दोष है कि साढ़ा 150 बंदा अंदर भी आस पास अटमेंट्स बना के रह रहा, किसी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो महदवाणी पिंड के 100 आदमी साढ़े को काम करता उन्होंने पिछे परिवार है 300-400 बंदा वह पिंड रह रहा, कुछ मेरे वर्कर किराए से रह रहे हैं, उन्होंने द्वारा मैं पूछदा मैं तो किसी कोई किसी तरह की कोई स्मैल की प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे दोष निराधार है, इन्हों का कोई भी आधार नहीं है। ट्यूबवैल उन्होंने पंजाब चला लिया, कनैक्शन भी पंजाब तो ले लिया, कनैक्शन हिमाचल तो, अच्छा कनैक्शन हिमाचल तो, हां जी जेड़ा उन्होंने कनैक्शन लिया ना जी वो लिया हिमाचल तो, ते कनैक्शन जेड़े वो ते जेड़े पोल पंजाब च लगे है, खंबे खंबे पोल पंजाब च लगे है, उन्हें एक जेड़ा वो बोर कराया ना उस वेले सातो पानी मंगदे सी, जमीन है ओनू आपां सिंचाई लई पानी दे सकदे पानी दे गल दो ठीक सी, हां फिर पानी इही ने ट्यूब लवा रिया इह सिंचाई वास्ते पंजाब दे विच लवा रिया, असीं इहनू पानी दे सकदे हां ठीक है, उहनां दे कहण ते फिर असीं पानी देता, फिर इहने जिहड़ा ओह ट्यूब लै ओह सिंचाई वास्ते नहीं वरत्या, ओह अपने फैक्ट्री वास्ते वरत रिया पानी, ओह इह फिर इहने गलत ढंग